इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में एक शख्स की मौत हो चुकी है। जिस शख्स की मौत हुई वो इसी बैंक्वेट हॉल में इलेक्ट्रीशियन था। लोटस ग्रेनेडियर बैंक्वेट नोएडा के सेक्टर 74 में है। हाल आपको बता दें कि हॉल के अंदर लकड़ी का काम चल रहा था, जिसकी वजह से अचानक आग भड़क गई। हालांकि आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों को जूझना पड़ा। आग को काबू में करने की लगातार इनकी तरफ से कोशिश की गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी चिंगारी लपटों में तब्दील हो रही है, क्योंकि कूल डाउन अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, वो प्रोसेस चल रहा है। इसलिए फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां अग्निकांड वाली जगह पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड के साथ साथ नोएडा के DCP और CFO भी मौके पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी बैंक्वेट हॉल की, जहां अंदर लकड़ी का काम चल रहा था, अज्ञात कारणों की वजह से आग भड़क गई। क्षेत्र 113 के अंतर्गत ग्राम सरफाबाद के पास सेक्टर 74 में ये लोटस ग्रैंडियर नामक एक काफी बड़ा शादी घर है। इसमें रात लगभग 3:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। 10 मिनट के अंदर 3:40 पे तुरंत फायर की गाड़ियां आ गई थी। इसमें 15 गाड़ियां लगाई गई। काफी बड़ा स्ट्रक्चर है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी था और बुझाने में इसमें काफी टाइम लग गया। अभी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पता चला है अभी कि इसमें एक परविंदर नामक इलेक्ट्रीशियन था, उसकी जलने से मृत्यु हो गई है। बाकी अभी ऑपरेशन जारी है। अभी तो पा लिया गया है, लेकिन चूंकि ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है तो कहीं कहीं पर फिर जल उठती है। हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी लगी हुई। नोएडा के पुलिस अधिकारी को आपने सुना, उनका ये कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन चूंकि अभी वो पूरा एरिया ठंडा नहीं हुआ है और यही कारण है कि एक बार फिर से जो आग है वो भड़क सकती है, और ऐसा ना हो उसके लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि अंदर लकड़ी का दरअसल बैंक्वेट हॉल में काम चल रहा था। और दो तस्वीरें आपके सामने, एक उस वक्त की जब यहां पर आग लगी थी, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही थी, पूरा काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था, और ये दूसरी तस्वीर जब कूल डाउन का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है, आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो बैंक्वेट हॉल था वो किस कदर जल चुका है, उसके अंदर का जो सामान था वो किस कदर जल चुका है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर अभी डटी हुई है और ये मेक श्योर कर रही है कि किसी भी तरह की कोई आग दोबारा यहाँ पर उठ खड़ी ना हो। लेकिन आग कैसे लगी, क्या वो कारण थे, फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ये जरूर बताया जा रहा है कि बैंक्वेट हॉल के अंदर लकड़ी का काम चल रहा था, इलेक्ट्रीशियन जो है वो भी मौके पर ही मौजूद था, और उसी दौरान आग भड़की और आग ने इतना विकराल रूप लिया कि पूरे बैंक्वेट हॉल को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर से पूरा बैंक्वेट हॉल जलकर राख हो चुका है, बाहर भी उसके आग के और आग की भयावहता के निशान नजर आ रहे हैं। बैंक्वेट हॉल के जगह जगह से जो एरिया है जहां पर लकड़ी लगी हुई थी वो पूरी तरह से जल चुका है।